कांग्रेस अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने के उद्देश्य से डिजिटल माध्यम से सदस्यता अभियान चलाने के लिए तैयार है। पार्टी ने दावा किया कि कांग्रेस की डिजिटल सदस्यता भाजपा की मिस्ड कॉल सदस्यता से काफी अलग होगी। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और डिजिटल अभियान राजस्थान के प्रभारी संजय निरुपम ने गुरुवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में डिजिटल सदस्य बनाने और इसके महत्व की जानकारी दी। निरुपम ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा कि डिजिटल सदस्य बनाने में किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। फोटो, वोटर आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर सदस्य बनाया जाएगा। भाजपा की तरह मिस्ड कॉल के जरिए झूठी सदस्यता का रिकॉर्ड नहीं बनाना है। निरुपम ने कहा कि सदस्य अभियान बनाने के लिए प्रत्येक बूथ पर दो प्रमुख होंगे, जो सदस्य बनाएंगे एक प्रमुख कम से कम 50 सदस्य बनाएंगे, एक बूथ पर दो प्रमुख 100 सदस्य बनाएंगे। इस तरह पूरे राजस्थान में मार्च माह तक 52 लाख सदस्य बनाएंगे। जो सदस्य बनाने में मेहनत करेंगे उनको आगे चुनाव लड़ने के अवसर भी मिलेंगे। निरुपम ने कहा कि सदस्य बनाने में जो मेहनत करेगा उनकी टीम बनती रहेगी, उनको कार्यकर्ता जानेंगे। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी खुद किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में डिजिटल सदस्यों से सर्वे करा ले। सर्वे में ये पूछा जा सकता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है। इसमें कार्यकर्ताओं का फीडबैक आएगा। जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा होगा उसकी पार्टी केवल डिजिटल फीडबैक के आधार पर टिकट देगी। ऐसा कई राज्यों में कांग्रेस कर चुकी है, इसीलिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे चुनाव लड़ने के अवसर मिलेंगे। कार्यकर्ता ये नहीं कह सकेंगे कि मेहनत उन्होंने की है और टिकट किसी दूसरे को दे दिया गया है। एक बूथ पर दो प्रमुख और उप प्रमुख बनेंगे, यही दो प्रमुख ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे। ब्लॉक कई बूथों को मिलाकर होता है, यही ब्लॉक अध्यक्ष अपना डेलीगेट चुनते हैं। ये डेलीगेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आगे चलकर पार्टी के शीर्ष पदों के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आगे चलकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने भी कोई चुनाव लड़ सकता है।